अपने राष्ट्र को स्वस्थ राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए भारत में नई स्वास्थ्य सुविधाओं के संचार की योजना बनाई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना जैसे जन हितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में बदला। तो कोविड के दौर में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। वहीं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत नए एम्स बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया। मेडिकल कॉलेज की संख्या में इजाफा हुआ। MBBS और PG की सीटें भी बढ़ी। इसी क्रम में 7 अक्टूबर 2015 को आधिकारिक रूप से एम्स कल्याणी को अनुमोदित किया। देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से सटे प्लांट सिटी कल्याणी में 1,754 करोड़ की लागत से लगभग 180 एकड़ भूमि पर एम्स कल्याणी का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इसी एम्स कल्याणी ने अपने निर्माण काल में ही कोविड दौर में अहम भूमिका निभाई है और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई हैं। और अब एम्स कल्याणी संपूर्ण पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों के लाखों परिवारों को टर्शियरी केयर की सुविधा देने के लिए तैयार है। यहां यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सहित 12 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट के साथ कुल 34 फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं। PICU, ICU, OPD के संग 960 बिस्तरों वाला बड़ा अस्पताल और अत्याधुनिक जांच, विस्तृत ब्लड बैंक, आयुष चिकित्सा के संग अन्य चिकित्सीय सुविधाएं एवं अन्य मानवीय सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यहां MBBS, MD-MS और नर्सिंग की पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च की भी व्यवस्था है और एम्स कल्याणी में पब्लिक आउटरीच और टेलीमेडिसिन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। नए तेवर और नए कलेवर के साथ एम्स कल्याणी सक्षम होगा स्वस्थ भारत के नव निर्माण में। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से इसे राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं।